नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एटॉमिक ग्लोबल नेटवर्क टीम वाले में। दोस्तों दोस्तों ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। एटॉमिक बाइनरी प्लान जैसा कि फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं हो पाया, वीडियो को शॉर्ट रखा है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, ये पार्ट आप कंटिन्यू देखिए। एटॉमिक बाइनरी प्लान डीलरशिप के 5 लेवल्स हैं और 5 लेवल्स के बाद 3 एक्स्ट्रा और लेवल्स हैं, ठीक है। एज पर पीवी डिपेंड करता है कि पीवी पर्सनालिटी पे कितना है और आपको कितना स्कोर मिलेगा, ओके। तो ये सेकंड पार्ट है वीडियो को, आप इस वीडियो को कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए। आपको एटॉमिक बाइनरी प्लान और लेवल्स और स्कोर्स की पूरी जानकारी होगी अच्छी तरीके से। तो कृपया करके आप इस सेकंड वीडियो को कंटिन्यू जारी रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो लेवल है वो है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इसमें 10,000 PV आपकी आईडी पे होता है, 10,000 PV। अगर आपकी पर्सनल आईडी पे आपने प्रोडक्ट बाई किया है और पर्सनल आईडी पे आपका 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी आईडी के नीचे लिखा आएगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आप बन चुके हो यहाँ पे। और एटोमी ये बोलती है कि आपकी पर्सनल आईडी पे अगर 10,000 पॉइंट वैल्यू होता है तो आप कंपनी की तरफ से अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि आपकी अर्निंग स्टार्ट तब होगी जब आपकी पर्सनल आईडी पर 10,000 पॉइंट वैल्यू मिनिमम होगा और कंपनी यहाँ पे आपको स्कोर देगी 5। स्कोर स्कोर का मतलब ये है कि जब ये 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाता है आपकी आईडी पे, तो कंपनी 5 का स्कोर तब देगी जब आपका एक दिन में मैचिंग हो जाएगा 3 लाख PV, 3 लाख 3 लाख। ये 10K पर्सनल आईडी पर 10,000, 3 लाख PV राइट में, 3 लाख PV लेफ्ट में मैच होता है, तो कंपनी आपको 5 का स्कोर देती है और इसके आधार पे आपको पैसा देती है कंपनी। और जो डेली का जो पीवी गिरता है, डेली जो पॉइंट वैल्यू है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप डेली पीवी ग्लोबल पीवी एटोमी के अंदर एक दिन में जितने कंट्री में एटोमी लॉन्च हो चुकी है इंटरनेशनली, जितने भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज होते हैं सबका पीवी डेली कैलकुलेशन होता है। डेली पीवी कैलकुलेशन होता है ग्लोबल मैचिंग पीवी, जिसका ग्लोबल मैचिंग जा रहा है ग्लोबल मैचिंग पीवी डेली कैलकुलेट होता है और डेली 24 आवर्स के बाद कैलकुलेशन होती है। आपको पेमेंट मिलती है अगर आपका मैचिंग हो गया तो, ठीक है। तो इस बात आपको याद रखनी है। तो पहला लेवल था डीलरशिप में, फर्स्ट लेवल था हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो मैंने आपको बता दिया है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। आपकी पर्सनल आईडी पर 10,000 पॉइंट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, पीवी। और स्कोर यहाँ पे आपको कंपनी देगी 5 पॉइंट। तो यहाँ पे 10,000 पॉइंट वैल्यू से लेकर के 2,99,999 PV, यानी कि 3 लाख से कम तक पीवी आपकी आईडी पे 2,99,999 तक पॉइंट वैल्यू है, तो आप यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाओगे और आपको स्कोर देगा 5। इस स्कोर के हिसाब से एंड फैक्टर के हिसाब से कंपनी कैलकुलेट करेगी आपको कितना पैसा मिलेगा। जब एटोमी लॉन्च होगी तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और एन फैक्टर के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। डेली कैलकुलेशन होता है ग्लोबल, जितना भी पीवी एटोमी में ऑनलाइन सेलिंग होती है, डेली जितना पीवी गिरता है अलग अलग प्रोडक्ट का, तो डेली कैलकुलेशन होता है एन फैक्टर के द्वारा। जो भी पैसा आपको 24 आवर्स के बाद मिलेगा वो फैक्टर एंड डिसाइड करता है आपको कितना पैसा मिलेगा, आप किस लेवल पे है, ओके। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड लेवल देखिए दोस्तों। सेकेंड लेवल बोलते हैं हम एजेंट, बाइनरी प्लान की बात कर रहे हैं यहाँ पे एजेंट, ठीक है। एजेंट आप तब बनोगे जब आपकी पर्सनल आईडी पे 3 लाख PV हो जाएगा, 3 लाख PV। पर्सनल आईडी पे अगर आपने 3 लाख पॉइंट वैल्यू कर लिया तो आपका जो मैचिंग है 3 3 लाख का होता है, तो कंपनी यहाँ पे आपको स्कोर देगी 15। यहाँ पे स्कोर आपका बढ़ जाएगा 15, क्योंकि आपके पॉइंट वैल्यू पर्सनल आईडी पे बढ़ गई है 10,000 से 3 लाख, ये सेकंड लेवल पे है। या कंपनी बोलती है एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपने पिछले महीने, एज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब जब आपकी आईडी पे 10,000 पॉइंट वैल्यू था 10K पिछले महीने, ठीक है, आपने कंपनी को 6 लाख PV, 6 लाख PV विक्कर या स्मॉलर लैग में आपने दे दिया, यानी कि 6 लाख PV विकर या स्मॉलर लैग में, राइट में 6 लाख हो गए, उससे ज़्यादा हो गया, यानी कि 6 लाख लेफ्ट में 6 लाख राइट में आपने कंपनी को मैचिंग दे दिया पिछले महीने में, तो आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए
जाने जाओगे और आपको स्कोर देगी 15, यानी कि आपकी पर्सनल आईडी पे 10,000 पॉइंट वैल्यू है, लेकिन पिछले महीने आपने 6-6 लाख का मैचिंग कंपनी को दे दिया और इस महीने आपको जो पेमेंट 3-3 लाख का मैचिंग होगा तो पेमेंट मिलेगी आपको 15 के स्कोर के हिसाब से, बढ़ी हुई पेमेंट मिलेगी आपको इसके हिसाब से, 70-75 डॉलर जो भी है सेकेंड लेवल पे, ग्लोबल एंड फैक्टर डिसाइड करेगा। ओके, या तो 3 लाख पीवी है या 10,000 पॉइंट वैल्यू है आपकी आईडी पे और आपने 6 लाख का बिजनेस कंपनी को दे दिया, तो नेक्स्ट मंथ 3-3 लाख का जो भी बिजनेस होगा मैचिंग होगा उस पर कंपनी आपको 15 का स्कोर देगी और पर्सनल आईडी पे 10,000 पॉइंट वैल्यू रहेगा, वो नहीं बढ़ेगा। ठीक है, दो कंडीशन है, या तो 3 लाख पीवी या लास्ट महीने आपने 6-6 लाख का पीवी बिजनेस कंपनी को दे दिया। तो ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत बारीकी की चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड लेवल है एटोमी का, स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट, स्पेशल एजेंट में क्या होता है दोस्तों, स्पेशल एजेंट तब बनोगे जब आपकी आईडी पे 7 लाख पीवी हो, 7 लाख, या तो 7 लाख पीवी हो या एज एन एजेंट, एज एजेंट यानी कि एजेंट का मतलब 3 लाख पीवी, पिछले महीने 3 लाख पीवी हो और आपने 14 लाख पीवी स्मॉलर लेग प्रीवियस मंथ, प्रीवियस मंथ। स्पेशल एजेंट तब बनोगे जब आपकी पर्सनल आईडी पे 7 लाख पीवी हो, या एज एजेंट का मतलब पिछले महीने आपकी आईडी पे 3 लाख पीवी था और आपने कंपनी को बिजनेस दे दिया 14 लाख स्मॉलर में, 14 लाख लेफ्ट, 14 लाख राइट या 20 लाख राइट, 14 लाख मिनिमम स्मॉलर लैग में, यानी कि 14 लाख का मैचिंग आपने कंपनी को दे दिया जब आप एजेंट थे, आपकी आईडी पे 3 लाख पीवी था पिछले महीने और इस महीने अगर आपका 7-7 लाख पीवी मैच होता है तो कंपनी आपको 7-7 लाख वाली पेमेंट देगी, जिसमें स्कोर कंपनी आपको देगी 30-30 के स्कोर के हिसाब से यहाँ पे कंपनी आपको पैसा देगी। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। फोर्थ फोर्थ लेवल है इसका डीलर। डीलर डीलर आप तब बनोगे जब आपकी पर्सनल आईडी पे 15 लाख पीवी हो, 15 लाख पीवी, या एज ए स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट का मतलब आपकी पर्सनल आईडी पे 7 लाख पीवी हो और आपने कंपनी को 30 लाख पीवी पीवी मैचिंग दे दिया लास्ट महीने में, 30-30 लाख पीवी का, विकर में 30 लाख मिनिमम, राइट में 30 हो, 40 हो, 50 हो, कोई मतलब नहीं, 30-30 लाख का मैचिंग आपने कंपनी को दे दिया है पिछले महीने में, तो अगले महीने में आप एज ए डीलर काउंट हो गए, लेकिन आपका पर्सनल आईडी पे 7 लाख पीवी रहेगा और आपने बिजनेस दे दिया आपको 30-30 लाख का कंपनी को, 30-30 लाख पीवी का ग्रुप लेफ्ट में, 30 का राइट में। ठीक है, तो आप डीलर काउंट होंगे और आपको जो पेमेंट मिलेगी इसके हिसाब से मिलेगा स्कोर आपको 60। डीलर पे आपको 60 का स्कोर कंपनी देगी, इसके हिसाब से पेमेंट मिलेगी, राइट। नेक्स्ट पांचवा लेवल है एक्सक्लूसिव डीलर। एक्सक्लूसिव डीलर ईडी जिसको बोलते हैं, ये लास्ट 24 लाख पीवी आपकी आईडी पे होना चाहिए, या पिछले महीने आप डीलर थे एज ए डीलर, आपने कंपनी को 48 लाख स्मॉलर लैग में दिया प्रीवियस मंथ पिछले महीने, तो आपको कंपनी स्कोर देगी यहाँ पे 90 का स्कोर देगी यहाँ पे कंपनी आपको। तो इस तरीके से एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर आप तब बनोगे जब आपकी आईडी के ऊपर या तो 24 लाख पीवी हो, या पिछले महीने आपकी जो आईडी थी उसके ऊपर 15 लाख पीवी था लेकिन 48 लाख की मैचिंग आपने कंपनी को दे दी, तो यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव डीलर बन जाओगे और आपको पेमेंट 24 लाख पीवी के लेफ्ट एंड राइट में जो मैचिंग होगा उसके हिसाब से जो स्कोर है वो 90 का मिलेगा और इसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, 90 के स्कोर के हिसाब से। ठीक है, या तो 48 लाख पीवी आपने किया हो पिछले महीने जब आप डीलर थे, जब आपकी आईडी पे 15 लाख पीवी था, या 24 लाख पीवी होगा आपका और तो आपका 24 लाख पीवी लेफ्ट एंड राइट मैच होगा तो 90 का स्कोर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स लेवल है। सिक्स लेवल पे ईडी यानी कि पर्सनल आईडी पे 24 लाख पीवी होता है आपका। ठीक है,
पर्सनल आईडी पे 24 लाख पीवी होता है, और 60 लाख लेफ्ट और 60 लाख राइट ग्रुप में मैचिंग होता है, तो कंपनी स्कोर देती है आपको यहाँ पे 150। तो इस स्कोर के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। ये 24 लाख पीवी अब आपकी आईडी में उस साल के लिए लॉक हो गया है। अगले साल एक प्रोडक्ट बाय करना है तो आपकी आईडी में 24 लाख पीवी कंटिन्यू रहेगा। 24 लाख पॉइंट वैल्यू का सामान मैक्सिमम आप एक आईडी पे बाय कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का सामान आप बाय नहीं कर सकते। ओके, सेवंथ लेवल है, एक्सक्लूसिव डीलर आप होंगे, आपके आईडी पे वही 24 लाख पीवी होगा, लेकिन जो मैचिंग है आपके लेफ्ट एंड राइट में, अगर 2 करोड़ लेफ्ट में और 2 करोड़ राइट में मैचिंग होता है, तो कंपनी स्कोर देती है आपको यहाँ पे 250। इस स्कोर के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी 60,000 70,000 जो भी मिलेगी, फैक्टरिंग से कैलकुलेशन होकर के आएगी पर्सनल आईडी पे इतना पीवी हो जाता है तो। और जो आठ वाला लेवल है, लास्ट लेवल, पर्सनल आईडी पे 24 लाख पीवी, लेफ्ट में आपके 5 करोड़ का पीवी मैच कर रहा है, राइट में 5 करोड़ का पीवी मैच कर रहा है, तो यहाँ पे कंपनी आपको स्कोर देगी 300 का स्कोर देगी। इसके हिसाब से जो आपको पेमेंट मिलेगी $1,500 भी मिल सकती है, ठीक है, 1 लाख रुपये मैक्सिमम, 1 लाख रुपये कंपनी यहाँ पे आपको देती है। अगर पर्सनल आईडी पे आपका 24 लाख पीवी है, लेफ्ट में 5 करोड़, राइट में 5 करोड़ पीवी होता है, तो यहाँ पे कंपनी आपको 300 का स्कोर देती है, और इसके हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी यहाँ पे, जो मैक्सिमम 1 लाख के आसपास बैठती है एक दिन में। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, हमने जो लेवल्स है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो अब डिस्कस करेंगे, ये एक कैंडिडेट है ए, और ये इधर बी, ये सी, डी, ई, ये राइट का ग्रुप है, ये लेफ्ट का ग्रुप है। ओके, यहाँ पे आपको इनकम तब मिलेगी जब 10,000 पीवी आपका हो जाएगा 10K पर्सनल आईडी पे। ओके, ये राइट का ग्रुप है, लेफ्ट का ग्रुप है, तो यहाँ पे जब तक 3-3 लाख पीवी की मैचिंग नहीं होती है तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू जब तक आपका नहीं बनता है तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। और कैरी फॉरवर्ड क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। कंपनी ये बोलती है, ठीक है, ये 10,000 पीवी आपके पर्सनल आईडी पे हो गया लेफ्ट से और राइट से, ठीक है, 3 लाख 3 लाख, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट एंड राइट का 3 लाख का मैचिंग होता है पॉइंट वैल्यू, तो यहाँ पे आपको स्कोर मिलता है 5 का स्कोर, ये फिक्स है, स्कोर फिक्स है, ठीक है, 5 का स्कोर यहाँ पे आपको मिलेगा, और यहाँ पे जो पेमेंट मिलेगी वो एन फैक्टर से निकल करके आएगी, 5 × 5 मान के चलते हैं $25। ओके, अप्रोक्सीमेट जो फैक्टर एन से कैलकुलेशन होता है, ये पैसा जो आपको मिलेगा फर्स्ट लेवल पे, ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली 1750 बताते हैं, वो 1750 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है, 1700 भी, 2000 भी, जो डेली पैसा मिलेगा बाइनरी मैचिंग का वो फैक्टर एन कैलकुलेशन करके ऊपर नीचे हो सकता है, फिक्स नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, फिक्स नहीं है, एन फैक्टर की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, डिपेंड करता है कि ग्लोबली कितना पीवी गिर रहा है मैचिंग में और एन फैक्टर की वैल्यू उस लेवल पे कितनी आ रही है। ओके, तो डेली जो है वो पैसा बाइनरी इनकम का आपको फिक्स नहीं मिलेगा, वेरी करता रहेगा वो हर लेवल पे, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कैरी फॉरवर्ड की, काफ़ी लोगों का डाउट है तो वो डाउट मैं अभी दूर करता हूँ, ठीक है। आपके पर्सनल आईडी पे फर्स्ट लेवल पे 10,000 पॉइंट वैल्यू है, ठीक है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आपके लेफ्ट में 1 लाख, 1 लाख पीवी आ गया, राइट में आ गया 2 लाख पीवी, ठीक है, 1 अप्रैल को। फिर सेकेंड अप्रैल को आपने 3 लाख कर लिया लेफ्ट में और 3 लाख राइट में, तो ये जो 1 अप्रैल को 1 लाख पीवी लेफ्ट में हुआ, 2 लाख पीवी राइट में हुआ, ठीक है, ये 3 लाख पीवी 1 अप्रैल को आपके अपलाइन को तो मिलेगा ना, तो जितना भी पॉइंट वैल्यू एक दिन में गिरता है कंपनी में वो सारा कैलकुलेशन होता है 24 आवर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे 1 लाख से आपने नेक्स्ट डे कर लिया 2 लाख ऐड कर लिया तो 3 लाख हो गया, यहाँ पे आपने 1 लाख ऐड कर लिया, यहाँ पे 3 लाख, नेक्स्ट डे आपका मैचिंग हो रहा है, ठीक है,
तो जब तक 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच नहीं होता तब तक ही पीवी का रिफंड होगा। 3-3 लाख पॉइंट वैल्यू मैच होने के बाद कोई भी का रिफंड नहीं है। अगर यहाँ पे आपका 10 लाख पीवी हो गया और यहाँ पे 7 लाख पीवी हो गया, ठीक है, और आपके पर्सनल आईडी पे 10,000 पॉइंट वैल्यू है और आपने राइट साइड में 10 लाख पीवी कर दिया, राइट साइड में 7 लाख पीवी कर दिया, तो मैचिंग आपको 3-3 लाख पीवी की मिलेगी। जो एक्स्ट्रा पीवी की है ये भी सारा ग्लोबल फैक्टर में जाता है, एन फैक्टर में, वहाँ से वो एन की वैल्यू को बढ़ाता है। तो जैसे ये एक लीडर है हमारा, इसने 3-3 लाख पीवी कर लिया, कोई दूसरा लीडर है, एग्जाम्पल देख के बता रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। ए, ठीक है, ए ने 3 लाख पीवी कर लिया अपनी आईडी पे, ठीक है, ये बी है, बी ने एक दिन में 7 लाख इधर से कर लिया और 3 लाख इधर राइट में कर लिया, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो देखिए आप, ए ने 3 लाख पीवी लेफ्ट में कर लिया, 3 लाख पीवी राइट में कर लिया, एक दिन में इसका मैच हो गया, तो ये इसको स्कोर मिलेगा 5, इसको भी स्कोर मिलेगा 5, इसने एक दिन में कर लिया 7 लाख 3 लाख, और ये दोनों अलग अलग टीम के हैं, एक टीम में नहीं है, ठीक है। तो 5 का स्कोर फिक्स है यहाँ पे सभी के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3-3 लाख की मैचिंग के ऊपर 5 का स्कोर फिक्स है, और यहाँ पे इसको जो पेमेंट मिलेगी वो सेम मिलेगी जो इसको मिलेगी इस लेवल पे। इसका भी 10,000 पीवी है, 10K, और इसका भी 10K पीवी है, फर्स्ट लेवल पे 5 का स्कोर मिलता है। तो इसने 7 लाख, इसने 4 लाख एक्स्ट्रा यहाँ से किया, ठीक है। इसका जो एक्स्ट्रा 4 लाख है ये एन फैक्टर की वैल्यू को इनक्रीज करता है, ठीक है, एन फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाता है। अगर इसने कर दिया, इस भाई ने कर दिया एक दिन में 20 लाख, ठीक है, इसने कर दिया 20 लाख, ठीक है, इसने 20 लाख कर दिया, इसने 20 लाख कर दिया, लेकिन ये पहले लेवल पे ही है ये भी, ठीक है। तो इसका जो एक्स्ट्रा पीवी है, ट्वेंटी लाख 20 लाख, ये मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में सपोज करो ये अच्छा नेटवर्क कर रहा है, टीम अच्छी है, 20 लाख पीवी लेफ्ट में, 20 लाख पीवी राइट में कर दिया, पर्सनल आईडी पे 10,000 पॉइंट वैल्यू, तो भी इसको स्कोर 5 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसने एक्स्ट्रा पीवी 17 लाख इधर कर दिया, 17 लाख इधर, ये जितना पीवी गिरा है 20 20, 40 लाख टोटल ग्लोबल मैचिंग पीवी में जाता है दोस्तों। आप इनकम के लिए तब एलिजिबल होगी जब मिनिमम 3-3 लाख पीवी आपके आईडी पे होगा, और उसके अलावा जितना भी पीवी है वो सारा टोटल ग्लोबल एन फैक्टर में जाता है, और वो पैसे उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। यहाँ पे आपको 1,500 रुपये मिल सकते हैं, 1,600 मिल सकते हैं। तो इस केस में इस लेवल पे कितने लोग और हैं जो 3-3 लाख पीवी से ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं एक दिन में, सबका ऐड होकर के वो पैसा आपको 1,500 मिलना होता है 3-3 लाख पे, लेकिन वो मिल सकता है आपको 2,000 रुपये मिल सकता है फर्स्ट लेवल पे। डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू वेरी करती रहती है, जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पे भी आपका क्रॉस लैग हो, एटोमी में कोई भी हो, उस लेवल पे वो ज़्यादा करता है, तो उसका प्रॉफिट उस लेवल पे सभी को मिलता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड अप टू 3 लाख है, 3 लाख मैच होते ही जितना पीवी उसके बाद बचता है वो पीवी भी ग्लोबल मैचिंग पूल में जाता है, और अगले दिन आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। जिन कंपनियों में, अदर कंपनी, जिन कंपनियों में, दूसरी कंपनियों की बात कर रहा हूं अभी, एटॉमिक की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, जिन कंपनियों में कैरी फॉरवर्ड होता है उनमें क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 लाख सपोज करो, यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, ये कोई भी अदर कंपनी है, बी कंपनी है, इसमें यहाँ पे 3 लाख पीवी लेफ्ट में हो गया, 10 लाख पीवी राइट में हो गया, तो 7 लाख एक्स्ट्रा हो गया, ये 7 लाख अगले दिन चला जाएगा, इसको हम कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं। लेकिन एटोमी में सेम डे में ये 17 लाख 10 इधर से, 3 इधर से, ये ग्लोबल फैक्टर में जाता है। दूसरी कंपनियों में ये 7 लाख बच गया, ये अगले दिन आपका राइट साइड में पड़ा रहेगा। लेकिन जिस कंपनी में कैरी फॉरवर्ड होता है दोस्तों, उस कंपनी में आपको आपका रुका हुआ पैसा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलता, उन कंपनियों में पैसा फंसा रहता है हमेशा कैरी फॉरवर्ड में, ठीक है। और इस कंपनी में मैचिंग के बाद जितना भी एक्स्ट्रा पीवी होता है वो पीवी भी ग्लोबल मैचिंग पूल में जाता है, और सेम डे आपको पे आउट मिलता है, चाहे एक्स्ट्रा पीवी आपने किया हो, आपके फ्रेंड ने, या क्रॉस लैग में, या अमेरिका से हुआ हो, या कनाडा से हुआ हो, सबको उस लेवल पे प्रॉफिट मिलता है। तो कितनी अच्छी बात है और कितनी बड़ी बात है ये,
तो कैरी फॉरवर्ड के चक्कर में मत पड़िए, जितना एक्स्ट्रा पीवी होगा मैचिंग के बाद उसका प्रॉफिट सभी को मिलेगा ग्लोबली इंटरनेशनली, ओके उस लेवल पे। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अदर कंपनी में जो कैरी फॉरवर्ड होता है वो पैसा आपका हमेशा लॉक रहता है, उस वो पैसा कभी मिलता नहीं ज़िंदगी में आपको कभी भी। और इस कंपनी में जितना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पीवी होगा एक दिन में मैचिंग के बाद उसका बेनिफिट सभी को मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी के कंपनसेशन प्लान में। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये बता रहा हूं मैं, आपको पेमेंट के लिए पे आउट के लिए आपको दूसरी कंपनियों में 1 महीने तक वेट करना होता है। टेंशन रहती है क्लोजिंग की, क्या होगा अगर मैंने बिजनेस कंपनी को नहीं दिया, अगर मैंने रिपर्चेज नहीं किया तो कमीशन नहीं मिलेगा। इस कंपनी में एटोमी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पे आउट आपको डेली अगर आपका मैचिंग हो रहा है तो जिस लेवल पे आप हो उस लेवल पे आपको एक फिक्स पॉइंट वैल्यू मिलता है, फिक्स स्कोर मिलता है, और जो एन फैक्टर की वैल्यू आती है वो पैसा आपको उस लेवल पे 24 आवर के बाद आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। और वीकली आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, बाइनरी इनकम वीकली विड्रॉ है। आपको बताया जाएगा कि वीक में कौन से दिन आप निकाल सकते हो, महीने में 4 बार 4 पे आउट निकाल सकते हो आप बाइनरी इनकम के। तो पे आउट के लिए आपको महीने तक इंतज़ार नहीं करना है, एक दिन का मैचिंग हो गया उसका पैसा आपको 24 आवर के बाद अकाउंट में क्रेडिट होगा और वीकली विड्रॉ कर सकते हो। इस कंपनी के अंदर आपकी टीम पर डे एक्टिवेट रहेगी, ठीक है, हर दिन, तो कितनी अच्छी बात है। दूसरा मास्टरशिप बोनस होता है उस, इसमें वो आपको मंथ महीने में 2 बार मिलता है, 1 से 15, 16 से 30 या एंड ऑफ मंथ। तो उसमें जैसे ही आप क्वालिफाई करोगे 15-15 दिन में या महीने के लास्ट में, जो कंपनी ने आपको बोला है, अगर आप कंपनी को उतना टर्म्स एंड कंडीशन करते हो तो आपको हर 15वें दिन या लास्ट दिन आपको कमीशन देगी मास्टरशिप बोनस। तो 4 पेमेंट ये हो गई, 2 मास्टरशिप कमीशन हो गया आपका, ठीक है, और एजुकेशन सेंटर का पे आउट अलग से। तो यहाँ पे जो कंपनसेशन प्लान डिजाइन किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। आप सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझिए इस कंपनी की। तो आशा करता हूँ कि मैंने, ये पार्ट फर्स्ट है हमारा, तो इसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है सारी चीज़ें, बेसिक्स बताई हैं। नेक्स्ट पार्ट आप हमारा ज़रूर देखिए ताकि आपको एटोमी के कंपनसेशन प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएँ। और जो नए यूजर्स हैं, अगर आप एटोमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको टीम वारियर एजुकेशन सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सही जानकारी स्टिक जानकारी मिलती रहे। और आप टीम वारियर को सोशल मीडिया पे आप फॉलो कीजिए, टीम वारियर फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, FB पेज, ओके ग्रुप, आप इसको लाइक कीजिए, ग्रुप शेयर कीजिए, आपको एटोमी से रिलेटेड लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम के डाउट्स दूर हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।